नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम राधा रानी के ड्रेस के लिए ओढ़नी बनाएंगे। इसके लिए हमने सिलाई पे 74 फंदे डाले हैं, 74 स्टिचेस डाले हैं और चार लाइन बैंगनी कलर से चार लाइन बेस बनाया है। ये एक डिज़ाइन मैंने डाल दिया है ताकि आपको स्पष्ट हो सके। तो ये डिज़ाइन चार सीधे फंदों पे बना है और बीच में उल्टे फंदे हैं, यानी हमने चार उल्टा और चार सीधा से शुरू किया है और तीन बार इस पैटर्न को चार उल्टा चार सीधा, चार उल्टा चार सीधा, चार उल्टा चार सीधा किया है। उसके बाद हमने पांच बार चार उल्टा की जगह पे दो उल्टा रखा है। तो दो उल्टा चार सीधा, दो उल्टा चार सीधा, दो उल्टा चार सीधा, दो उल्टा चार सीधा और दो उल्टा, यहाँ पे पांच बार दो उल्टा आया है। उसके बाद फिर तीन बार हमारा, जैसे स्टार्टिंग में हमने तीन बार चार सीधा, तीन बार चार उल्टा बनाया था, उसी तरह लास्ट में भी तीन बार, देखिए यहाँ पे चार उल्टा, फिर चार सीधा, चार उल्टा, चार सीधा और चार उल्टे से लास्ट हो गया है। इस तरह हमने 74 स्टिचेस को इस तरह हमने बांटा है। तो हमारा ये चार लाइन बैंगनी का, चार लाइन और दो लाइन पीले का, यानी छह लाइन बनके तैयार हो गया है और ये सातवां लाइन है। तो सातवें लाइन में हम चार फंदा उल्टा बुनेंगे, चार फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा, चार फंदा सीधा, यानी हम जहाँ तक हमने चार फंदा उल्टा बुना है वहाँ तक हम इसको बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो उल्टा बुना है, तो अब इस दो उल्टे में हम एक फंदा बढ़ा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे इस घाघरे में बढ़ाया था। तो दूसरे उल्टे में हम दो बार उल्टा बनाएंगे, एक उल्टा बनाया और इसी में एक बार ऐसे पलट के एक और उल्टा बना दिया, फिर चार फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट दो उल्टा आएगा तो हम एक उल्टा बुन लेंगे और अगले उल्टे में हम दो बार बुनेंगे, एक उल्टा बनाया फिर नेक्स्ट उल्टे में दो फंदा बढ़ा दिया, फिर चार फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट उल्टा दो फंदा आया तो पहला उल्टा बुन लिया, दूसरे उल्टे में हमने दो एक से दो फंदा कर दिया, यहाँ पे तीन फंदा हो गया। इसी तरह जहाँ जहाँ दो उल्टा है यहाँ पे हम तीन उल्टा कर देंगे और बाकी फंदों को जो सीधा है उसे सीधा और जो उल्टा है उसे उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चुन्नी इस तरह बन रही है। तो अब हम फिर अपने बैंगनी कलर से बनाएंगे, चार फंदा उल्टा, दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में चार लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर चार फंदा सीधा, फिर यहीं से एक और लूप निकालेंगे और चार फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में चार लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर चार फंदा सीधा, फिर यहीं से एक और लूप निकालेंगे और दाहिने हाथ की सिलाई में से चढ़ा लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा उल्टा, दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में चार लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर चार फंदा सीधा, फिर यहीं पे एक और सिलाई डालेंगे, एक और लूप निकालेंगे और फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से चार फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर ये दूसरा लूप और ये फंदा दोनों को एक साथ लेंगे, ऐसे पलटेंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर उन अपनी ओर करेंगे, इस लूप को और फंदे को दो फंदे एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे,
फिर दो फंदे उल्टा, फिर दो फंदा लेंगे, एक फंदा और एक ये लूप, दोनों को एक साथ लेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर चार फंदे सीधे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिर हमारे चौथे फूल का तीसरा लाइन है। तो जैसे हमने हर फूल के तीसरे लाइन में ये जो बीच में दो फंदे रखे थे, पांच लाइन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन जगह चार चार फंदे, दो डिज़ाइन के बीच में चार चार फंदे, और यहाँ पे पांच जगह दो दो फंदे रखे, यहाँ दो 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 दो, पांच जगह दो दो फंदे रखे, फिर लास्ट में यहाँ पे हमने चार चार सामने से उल्टे फंदे रखे थे। तो चार फंदा उल्टा बनाएंगे, किनारे के फंदों को हमें एज इट इज़ रखना है, कुछ भी नहीं करना है। चार फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा बनाना है। तो ये तीन उल्टे तक हमें, शुरू से भी चार उल्टा आया है और ऊपर भी चार उल्टा ही गया है। देखिए यहाँ पे एक भी फंदा, ये तीन लाइन, एक दो तीन, इन तीन लाइनों में कुछ भी नहीं किया गया है, जैसे है वैसे ही बुना गया है। और अब ये देखिए चौथा लाइन है, ये चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में डिज़ाइन के हर तीसरे लाइन में हमने फंदा बढ़ाया है। तो इस समय ये बढ़ के हो गया है पांच फंदा। तो पांचवें फंदे में हम दो बार बुनेंगे और ये हो जाएगा छः फंदा। यहाँ पे दो फंदा था, फूल के तीसरे लाइन में हमने एक फंदा बढ़ाया, यहाँ दो से तीन हुआ, फिर नेक्स्ट फूल के तीसरे लाइन में हमने फंदा बढ़ाया तो चार हुआ, नेक्स्ट फूल के तीसरे लाइन में पाँच, और यहाँ पे तीसरा लाइन ये चल रहा है। तो अब ये फंदा दो से बढ़ के ये छः हो गया है। तो फिर हम चार फंदा सीधा बनाएंगे और फिर ये उल्टा लाइन आ गया, तो चार फंदा हम उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन चार, और पांचवें फंदे में हम दो बार बुनेंगे तो ये हो जाएगा छः। तो यह हमने दो लाइन में कर लिया और ऐसे ही तीन लाइन में हमें करना पड़ेगा। ये यहाँ भी हमने शुरुआत में दो फंदा रखा था, जहाँ जहाँ दो दो फंदा रखा था वहाँ वहाँ पे हमको फंदे बढ़ाने हैं, और लास्ट के ये जो तीन उल्टे फंदे हैं, एक दो तीन, इसमें हमें, हमने शुरू में भी चार फंदे रखे थे और लास्ट में भी चार ही रहेगा, यहाँ हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो इस तरह करने से एक सुंदर सी गुलाई आ जाएगी, हमारे राधा रानी की चुन्नी में एक खूबसूरत सी गुलाई आ जाएगी। अभी मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने फंदे बढ़ाया, फिर चार फंदा सीधा, फिर ये पांच फंदे हैं तो चार फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, और पांचवें फंदे में हम एक से दो करेंगे। तो ये पांचवें फंदे में हमने दो फंदा किया, अब यहाँ पे छः फंदे हो गए, चार फंदे सीधे, फिर नेक्स्ट हम चार फंदा सीधा बुनेंगे, सॉरी उल्टा बुनेंगे, और पांचवें फंदे में हम एक से दो करेंगे। अब नेक्स्ट चार फंदा सीधा, और अब यहाँ पे देखिए तीन धारी बच गई है, एक दो तीन, तो यहाँ पे चार उल्टा चार सीधा, चार उल्टा चार सीधा, रॉन्ग साइड से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा, और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा। अब ये देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ा है, यहाँ पांच फंदे थे और अब बढ़ के यहाँ छः फंदा हो गया है।
देखिए यहाँ शुरुआत में दो फंदा था और अब ये बढ़ के ऐसे छह फंदा हो गया है। फिर चार फंदा उल्टा, ये डिज़ाइन वाला फंदा है, चार फंदा उल्टा और ये छह फंदा सीधा। यहाँ उल्टा वाला फंदा रॉन्ग साइड से सीधा हो जाएगा तो छह फंदा सीधा। तो ऐसे ही करते हुए सारे फंदे हम बुन लेंगे। और अब ये हमारा लास्ट लाइन है, तो जो फंदा सीधा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब ये चार फंदे सीधे हैं तो इन्हें सीधा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा इस पे चढ़ाते जाएंगे। अब नेक्स्ट ये चार फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा इस पे चढ़ा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह करते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चुन्नी कुछ ऐसे बनके तैयार हुई है। अब हमें इसमें थोड़ा सा क्रोशिए का काम करना है। हमारा थ्रेड यहाँ पे है और हम यहाँ से इसको निकालेंगे, दो चेन बनाए और फिर यहीं से हम एक एक ही जगह से दो तीन चार और हमने पांच डबल क्रोशिया किया और इसको जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाने देंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करेंगे। फिर ऐसे हम बल लेंगे और थोड़ी दूर पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बल लेंगे और फिर यहीं पे हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच और फिर देखेंगे ये कहाँ तक जा रहा है, वहाँ ले जाकर इसे अटैच कर लेंगे। फिर एक बल लेंगे और थोड़ी दूर पर क्रोशिया डालेंगे, एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी जगह पे पांच डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम चारों तरफ करेंगे। तो करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, राधा रानी की चुन्नी बनके तैयार है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इसे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।